आदमपुर बाई इलेक्शन को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर हलचल मची हुई है। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि आदमपुर बाई इलेक्शन में भव्य बिश्नोई को बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया गया है और बीजेपी की टिकट दे दी गई है। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पुत्र को दोबारा यानी कि दाव पर लगाया है आदमपुर हलके से, जो 15 बार यानी कि चुनाव जीत चुका है भजन लाल परिवार। इस बार उन्होंने हारे हुए प्रत्याशी यानी कि हिसार के एमपी अपने भव्य बिश्नोई बेटे को मैदान में उतारा है। हम बता दें कि भव्य बिश्नोई 2014 के अंदर हिसार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। कुलदीप बिश्नोई भी यानी कि राज्यसभा का क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी में शामिल हुए थे और वो अब केंद्र की राजनीति करने के लिए हिसार लोकसभा के लिए ट्राई करेंगे। हम बता दें, अब बता दें कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कौन है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है सत्येंद्र सिंह, जो न्योली कला आदमपुर के रहने वाला है और हांसी के अंदर उनकी गैस एजेंसी हुआ करती थी और हिसार में भी गैस एजेंसी है। अब तक बीजेपी का पल्लू थामे सत्येंद्र हाथ में कमल लिए हुए और कमल का फूल सीने को लगाए हुए प्रचार बीजेपी का करते थे। जैसे ही उन्हें भनक पड़ी कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी में एंट्री मारी है, तो उन्होंने भी पासा पलट दिया। राजनीति में सभी संभावनाएं रहती हैं और समर साल्ट भी रहता है कि कैसे यानी कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब देखना है कि कांग्रेस किस पर दाव खेलती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी, जो अब कहीं भी विधायक नहीं है और केंद्र में यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस, जयप्रकाश नारायण पर भी जयप्रकाश पर जेपी जो कहते हैं पर दाव खेल सकती है। साथ ही पोकरमल के एक बहुत नज़दीकी यानी भजन लाल के बहुत नज़दीकी पोकरमल, जो एक आड़ती हुआ करते इसमें आदमपुर में, उनका बेटा प्रदीप बेनीवाल पर भी कांग्रेस थोड़ा बहुत यानी कि विश्वास कर रही है। लेकिन आदमपुर में बता दें कि सोनाली फैक्टर बहुत बताया जा रहा है कि चलेगा और 30,000 सोनाली फोकाट जो दिवंगत हो चुकी है, वोट ले चुकी थी, सोनाली फैक्टर क्या कायम रख कयास दिखाएगा, क्या फैक्टर दिखाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और 14 तारीख को नॉमिनेशन होने शुरू हो गए हैं, जल्द ही कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। देखते रहिए हंसी की आवाज़। मैं राजीव बंसल, मेरे सहयोगी अजय सैनी के साथ।